हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है गर्ल इन द बेसमेंट। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक पिता अपनी ही बेटी को 24 सालों तक अपने घर के बेसमेंट में कैद करके इसे फिजिकली और सेक्सुअली तरीके से अब्यूज करता है। और अगर आपको इस मूवी की पूरी कहानी जाननी है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। सेरा यहाँ एक पार्टी में जाने के लिए कहती है, लेकिन इसके फादर डॉन इसे पार्टी में जाने से मना करते हैं, जिसकी वजह से सेरा डिनर टेबल छोड़कर यहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सेरा चुपके से अपने घर से निकलती है और ये अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। डॉन जब अपनी वाइफ आयरिन के साथ सेरा के कमरे में आता है, तब इन्हें यहाँ पर सेरा नहीं दिखती, जिससे डॉन समझ जाता है कि सेरा जरूर पार्टी में गई होगी। इसलिए डॉन सेरा पर काफी गुस्सा होता है। उधर हम सेरा को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी को काफी एंजॉय कर रही थी। सुबह होने पर क्रिस जब सेरा को उसके घर पर छोड़ता है, तब सेरा अपने घर में जाने लगती है, लेकिन डॉन यहाँ सेरा को देख लेता है और ये इस पर काफी गुस्सा करता है। लेकिन तभी सेरा की मॉम यहाँ आती है और ये डॉन को रोकती है। इसके बाद हम सेरा को इसकी सिस्टर एमी और इसके मॉम के साथ में देखते हैं। सेरा अपनी सिस्टर और मॉम को बताती है कि कुछ ही महीने बाद ये 18 साल की हो जाएगी। उसके बाद ये इस घर को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ रहने चली जाएगी, क्योंकि ये अपने फादर की हरकतों से काफी तंग आ गई है। तभी हम डॉन को देखते हैं, जो छुपकर सेरा की बातें सुन रहा था। इसके बाद डॉन घर के बेसमेंट में आता है, जहां ये एक सीक्रेट रूम को ओपन करता है। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेरा बैठ कर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी सेरा की मॉम इसके पास आती है और ये इसे मार्केट चलने के लिए कहती है, लेकिन सेरा कहती है कि ये मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। सेरा की मॉम सेरा को घर पर छोड़कर एमी को लेकर मार्केट के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम डॉन को देखते हैं, जो सेरा को अपनी मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि डॉन को एक बॉक्स बेसमेंट में रखना था। सेरा जब ये बॉक्स लेकर बेसमेंट में आती है, तब ये यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को देखती है। डॉन इस बॉक्स को अंदर के कमरे में रखना चाहता था, इसलिए सेरा को भी कमरे के अंदर जाना पड़ता है। डॉन यहाँ सेरा से बात करते करते इसे कमरे में लॉक करके बाहर चला जाता है। सेरा को कुछ भी समझ नहीं आता और ये अपने फादर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन डॉन दरवाजा नहीं खोलता और बेसमेंट से बाहर आ जाता है। सेरा अपनी मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन इसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि ये कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। सेरा यहाँ लाए बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर कपड़े और कुछ खाने पीने की चीजें मौजूद थी। सेरा यहाँ काफी रोती है और चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन इसकी आवाज जरा भी बाहर नहीं आती। सेरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इसके फादर ने इसे यहाँ पर क्यों कैद किया है। सेरा कमरे में लगे डिजिटल लॉक को पासवर्ड के जरिए खोलने लगती है, लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड डालने से इस कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होने से इस कमरे का वेंटिलेटर भी बंद हो जाता है, जिससे सेरा को बेसमेंट के अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद हम सेरा की मॉम और इसकी सिस्टर को देखते हैं, जो सेरा के लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि काफी रात हो चुकी थी और सेरा अभी तक घर पर नहीं आई थी। अब सेरा को बेसमेंट में कैद हुए पूरे 4 दिन हो गए थे, और जब डॉन इसे देखने बेसमेंट में आता है, तब सेरा इसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ भी सेरा को एक लॉक दिखता है, इसलिए सेरा इसे नहीं खोल पाती। डॉन यहाँ आता है और ये सेरा की इस हरकत से इस पर काफी गुस्सा होता है, और ये सेरा को वापस से कमरे में लेकर आता है और इसका रेप करता है। इसके बाद हम सेरा की मॉम और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जो एक ऑफिसर को सेरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहती है। लेकिन तभी डॉन यहाँ आता है और ये पुलिस को रिपोर्ट लिखने से मना करता है। डॉन यहाँ ऑफिसर को बताता है कि सेरा मिसिंग नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर से गई है, इसलिए इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई दिन बीत जाते हैं और सेरा का बॉयफ्रेंड क्रिस सेरा से मिलने इसके घर पर आता है, लेकिन यहाँ डॉन इससे मिलता है और डॉन बताता है कि सेरा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ फ्लोरिडा गई है, इसलिए तुम उसे ढूंढना बंद करो। क्रिस को लगता है कि सेरा के फादर इसे जो बता रहे हैं वो सब सच है, इसलिए क्रिस अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। उधर हम सेरा को देखते हैं, जिसे बेसमेंट में कैद हुए पूरे 21 दिन हो गए थे, और आज सेरा का बर्थडे भी था, इसलिए डॉन यहाँ सेरा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केक और कपड़े लेकर आता है। डॉन सेरा को रेड ड्रेस पहनने के लिए कहता है, और सेरा जब ड्रेस पहनकर आती है, तब डॉन यहाँ फिर से सेरा को सेक्सुअली अब्यूज करता है। सेरा बेसमेंट में कैद थी और धीरे धीरे दिन बीत रहा था। इसके
उसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम सेरा को प्रेग्नेंट देखते हैं। सेरा यहां रोज की तरह अपना काम कर रही थी कि तभी इसे यहां पर लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब बेसमेंट में सेरा की मदद करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए सेरा पूरी हिम्मत करके यहां एक बेटी को जन्म देती है और ये इसका नाम मेरी रखती है। मेरी अब 4 साल की हो चुकी है और हम सेरा को दोबारा से प्रेग्नेंट देखते हैं। उधर डॉन अपने घर में आयरिन और एमी के साथ डिनर कर रहा था। आयरिन यहाँ डॉन से कहती है कि ये सेरा को ढूंढने के लिए किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करे ताकि इनकी बेटी इन्हें जल्दी से मिल जाए, लेकिन डॉन आयरिन की बातों से काफी गुस्सा होता है और ये कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद डॉन बेसमेंट में सेरा और मेरी के लिए एक टेलीविजन लेकर आता है जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। धीरे धीरे दिन बीत रहा था और सेरा फिर से एक लड़के को जन्म देती है। सेरा इस लड़के का नाम माइकल रखती है। उधर हम क्रिस को देखते हैं जो सेरा की यादों में उसके घर की तरफ आता है। क्रिस यहाँ एमी से मिलता है और इसे बताता है कि इसके फादर ने इसे बताया था कि सेरा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनकर एमी काफी हैरान हो जाती है और ये अपने फादर के ऊपर शक करने लगती है क्योंकि इसके फादर ने इन्हें और ही कुछ बताया था। एमी क्रिस की सारी बात अपनी मॉम को बताती है जिसकी वजह से आयरिन डॉन पर काफी गुस्सा करती है। डॉन यहाँ काफी गुस्से में था और ये यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। एमी को यहाँ बेसमेंट की चाबी दिखती है जो डॉन के जेब से यहाँ गिरी थी। एमी इस चाबी को उठाती है और बेसमेंट में आकर यहाँ चेक करने लगती है, लेकिन तभी डॉन यहाँ आता है और ये एमी के ऊपर चिल्लाता है और इसे डांट कर बेसमेंट से बाहर निकाल देता है। उधर हम सेरा को देखते हैं जो कि फिर से एक लड़के को जन्म देती है और ये इसका नाम थॉमस रखती है। सेरा किसी तरह से डॉन को कन्विंस करती है ताकि डॉन इस बच्चे को ऊपर ले जाए और डॉन भी इसकी बात मान लेता है। डॉन इस बच्चे को एक बास्केट में डालकर अपने घर के बाहर रख देता है। आयरिन अपने घर के बाहर बास्केट में एक बच्चे को देखती है। इस बास्केट में एक लेटर भी था जिसमें सेरा ने साफ साफ लिखा था कि ये बच्चा उसी का है, लेकिन वो इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए वो इस बच्चे को अपनी मॉम के पास भेज रही है ताकि इसकी मॉम इस बच्चे का ख्याल रख सके। आयरिन इस बच्चे को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि आयरिन जान गई थी कि सेरा जहाँ भी है वो ठीक है। आयरिन इस बच्चे को लेकर अंदर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉन को बास्केट में एक और लेटर मिलता है जिसमें सेरा ने अपनी मॉम से अपनी मदद के लिए कहा था, लेकिन ये लेटर डॉन देख लेता है। डॉन सेरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और ये बेसमेंट में आकर सेरा को फिर से सेक्सुअली अब्यूज करता है। सेरा को बेसमेंट में कैद हुए अब पूरे 17 साल हो चुके थे और इन 17 सालों में अब सेरा चौथी बार प्रेग्नेंट होती है। सेरा एक जगह पर बैठकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी कि तभी ये बेसमेंट में पानी की बूंदों को नोटिस करती है। सेरा यहाँ जल्दी से एक चम्मच की मदद से गड्ढा करती है और अपनी मदद के लिए इसमें टॉर्च ऑन करती है। इस लाइट को सेरा का पड़ोसी देख लेता है, लेकिन वो ये बात डॉन को बताता है। डॉन इस आदमी की बात सुनकर जल्दी से बेसमेंट में आता है और इस बार डॉन सेरा को इतना ज्यादा मारता है कि सेरा के पेट में मौजूद बच्चा मर जाता है। कुछ दिनों बाद सेरा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। डॉन इस बच्चे को अपने गार्डन में दफना देता है। डॉन बेसमेंट में आता है और ये सेरा का बिहेवियर देखकर इस पर काफी गुस्सा करता है। माइक और मेरी भी डॉन से कहते हैं कि वो इन्हें कब यहाँ से बाहर लेकर जाएगा, जिस पर डॉन इनसे कहता है कि जब तक तुम्हारी मॉम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती तब तक तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। डॉन को यहाँ से जाने के बाद माइक और मेरी सेरा के ऊपर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं जिससे सेरा गुस्से में आकर यहाँ मौजूद सामान को तोड़ने लगती है। सेरा जमीन पर गिर जाती है और ये क्रिस के साथ बिताए हुए दिनों को याद करती है। माइक और मेरी घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और ये अपनी मॉम से माफी मांगते हैं। ये दोनों कहते हैं कि अब ये दोनों बड़े हो गए हैं इसलिए ये इसे सारी सच्चाई बता सकती हैं। सेरा इन्हें डॉन की सारी बातें बताती है और बताती है कि कैसे डॉन ने इसे इस बेसमेंट में कैद करके इतने दिनों तक इसके साथ में क्या क्या किया है। सेरा इन्हें ये भी बताती है कि डॉन इसके रियल फादर हैं। ये सुनकर थॉमस और मेरी रोने लगते हैं, लेकिन तभी मेरी को अस्थमा का अटैक आता है। सेरा अपनी बेटी को दवा देती है और कहती है कि ये लोग जल्द ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद ये इसका अच्छे से इलाज कराएगी। अब सेरा को बेसमेंट में फंसे हुए पूरे 20 साल हो जाते हैं और अब डॉन की नौकरी भी चली जाती है। डॉन के पास 2 फैमिली थी जिसमें इसकी वाइफ, बेटी और इसका पोता थॉमस, दूसरी फैमिली में बेसमेंट जहाँ सेरा और उसके 2 बच्चे और इन सभी लोगों का एक साथ में पालना अब डॉन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए डॉन बेसमेंट में मौजूद लोगों को मारने की सोचता है। डॉन कार चालू करता है और
कार से निकल रहे धुएं को ये एक पाइप के जरिए बेसमेंट के वेंटिलेटर में लगा देता है ताकि इंजन के धुएं से बेसमेंट में मौजूद लोगों का दम घुटने लगे। लेकिन तभी यहाँ पर थॉमस आता है जिसकी वजह से डॉन को कार बंद करनी पड़ती है। बेसमेंट में हम सेरा को देखते हैं। यहाँ मैरी की हालत काफी खराब हो रही थी क्योंकि मैरी को फिर से अस्थमा अटैक आया था। मैरी की हालत से सेरा काफी परेशान हो रही थी। तभी डॉन यहाँ आता है। तब सेरा इससे मैरी को हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉन हॉस्पिटल जाने से मना करता है। लेकिन सेरा डॉन से काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद डॉन मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाता है। डॉन माइक को बेसमेंट में लॉक करके सेरा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। 20 सालों बाद सेरा अपने घर को देखती है, लेकिन ये डॉन के डर से चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठती है। डॉन इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर मैरी का चेकअप करते हैं और मैरी नॉर्मल होने लगती है। एक डॉक्टर सेरा से मैरी के बारे में पूछती है, लेकिन डॉन सेरा को कुछ भी बोलने नहीं देता और ये खुद ही सारी चीजों का आंसर करता है। डॉक्टर डॉन पर शक करती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं कहती। डॉन एक फॉर्म भर रहा था, लेकिन सेरा उस पर जानबूझकर पानी गिरा देती है। डॉन एक दूसरा फॉर्म लेने जाता है और यही मौका पाकर सेरा यहाँ से उठकर उस डॉक्टर के पास जाने लगती है। डॉन सेरा को देख लेता है और इसे रुकने को कहता है, लेकिन सेरा सीधा डॉक्टर के गले लग जाती है और इससे अपनी मदद के लिए कहती है। ये देखकर डॉन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल का एक ऑफिसर दौड़कर डॉन को पकड़ लेता है। डॉन को यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है। उधर मैरी को जब होश आता है तब सेरा इसे बताती है कि अब ये लोग आजाद हैं। पुलिस बेसमेंट से माइकल को निकालती है, जिसकी हालत थोड़ा नाजुक होती है। इसके बाद हम माइकल, थॉमस और मैरी को एक साथ में खेलते हुए देखते हैं और सेरा भी यहाँ अपनी मॉम और सिस्टर से बात कर रही थी। तभी यहाँ पर सेरा का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आता है, जो अब भी सेरा से प्यार करता था। सेरा और क्रिस एक साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि सेरा अब पूरी तरह से आजाद थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।